देखिए, निश्चित तौर पर राधे माँ द्वारा वो एक धर्माचार्य की उपाधि से अलंकृत है और निशाचर प्रवृत्ति इन्होंने, निशाचर का काम जो होता है वो रात्रि में पूजा करना, रात्रि में देवताओं को शयन प्रक्रिया में खलल डालना, उनकी साधना में खलल डालना, ये सब क्रियाएं निशाचरों द्वारा की जाती है और उनके भक्त भी कल को इसी प्रकार का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में उनके अनुयायी भी इस प्रकार की परंपरा अगर वो डालने का प्रयास करते हैं, इसका लेकर तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। बाकायदा उन्होंने एक इस प्रकार के चप्पले पहनकर और वहाँ पर गंगा जी का अभिषेक कर रही हैं, गंगा की आरती कर रही हैं, फिर वहाँ पर नृत्य किया जा रहा है। अगर एक साधारण आदमी इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके पर खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उसको भी हम लोग टोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने 50-100 भक्तों के साथ हमारे वॉलंटियर्स को धमकाते हुए वहाँ पर उन्होंने जो कृत्य किया उससे बेहद नाराजगी है। और क्योंकि राधे माँ एक डिग्निटी है, राधे माँ एक अपने आप में एक पहचान है, अगर वो धर्माचार्य के रूप में इस प्रकार के कृत्य करती हैं, चूँकि पूरे दिन तपस्या में लीन, गंगा की तपस्या में जो तमाम देवी देवता माँ उस तट पर तपस्या में लीन रहते हैं, वो रात्रि के समय में उस शयन करते हैं, उनकी शयन प्रक्रिया में बाधा डाली गई है और सीधा पॉलिथीन का प्रयोग वहाँ पर प्रतिबंधित है। एक धर्माचार्य द्वारा, एक प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा वहाँ उस प्रकार पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए दुग्धाभिषेक, आरती, फिर वहाँ पर बहुत जोर से म्यूजिक बजाकर वहाँ पर नृत्य करना, चाहे उसको कीर्तन या जगराता कहें, ये सब प्रकार के कृत्य एक धर्माचार्य को शोभा नहीं देते। उन्हें माँ गंगा से माफ़ी मांगनी चाहिए और निश्चित तौर पर इसको लेकर हमारा विरोध है कि जब तक राधे माँ इसके लिए माँ गंगा से माफ़ी नहीं मांगती, उनके हर की पौड़ी प्रवेश पर हम विरोध करेंगे। नहीं, जूते पहनने की जो बात आई थी, उन्होंने कहा कि हमने मोजे पहने हैं, उसमें ये लगा है वो लगा है, लेकिन उस जो तस्वीरें हैं हमारे पास उपलब्ध, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर उनको इतनी वो, यहाँ तो नंगे पैर स्टेशन पर उतरने के बाद श्रद्धालु नंगे पैर गंगा तट पर आकर स्नान करते हैं, राष्ट्रपति अभी कुछ दिन पूर्व आए, वो वहाँ पर मोजे भी नहीं पहने, वो सब इस प्रकार पहनकर वहाँ पर नंगे पैर वहाँ उस गंगा तट पर उन्होंने पूजा आराधना की, क्या देश के राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए हैं? हमें उससे कुछ जुराबे पहने, जूते की अगर परिभाषा वो दे रहे हैं कि जूता उन्होंने पहना है या नहीं पहना है, वो बात अलग है। इसमें जाँच का हमने, क्योंकि एक हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि उसमें जाँच करी जा रही है, CCTV वगैरह से देखा जा रहा है, अगर ऐसा नहीं है उस पर हमारी कमेटी बन के विचार करेगी। मोजे वगैरह तो पहन के जाता है, लेकिन गंगा में जिस प्रकार वो अपने पैरों का दुखड़ा रो रही है कि पैर बहुत कोमल हैं, ये सब है, तो गंगा के जिस तट पर वहाँ पर ठंडक है, जुराबों से उनकी गीली भी होंगी, फिर उससे भी उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचनी जायज है, उससे भी स्वास्थ्य पहुँच सकती है। लेकिन हमारा कहना ये है कि उनके जो कृत्य है, आप जूता मोजे से, हमें अगर वो कहें जूता पहनकर नहीं, हम मोजे पहन के गए, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मोजा एक कपड़े की वेशभूषा में आता है, लेकिन उनका जो आरती करने का कृत्य है, पूजा करने का कृत्य है, ये निशाचर करते हैं, धर्माचार्य को एक कृत्य शोभा नहीं देते।